मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये पहले मेरे बचपन में मैंने किन से सुना, तो जो मुझे कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आते थे उन मौलाना से सुना। तो ये जो है कि हम सब जो है इंसान है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, पूरा सोचना भी नहीं चाहिए। इस तरह की बातें संस्कारों में तो सिखाई जाती थी कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी गलत है, गुनाह है ऐसे। तो उस तरह से अहिंसा जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, ये मजहब के नाम से भी कहा जाता था। और ये गांव में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि एक मजहब के लोग तो नहीं थे गांव में, अलग अलग मजहब के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, तो इसमें एक दूसरे के प्रति बर्ताव में हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये हमको परिवार से मिला अहिंसा के बारे में जो है, कि अहिंसा का पहला मूल्य जो मिला वो इस तरह से मिला, फिर वो मजहब से मिला, परिवार से मिला, और गांव में लोगों के साथ रहते थे उनसे मिला।